तो अब तक हम लोग देख चुके थे कि क्या क्या हुआ। हमने टेबल नंबर 1 बनाई थी, जिसको हमने रैंडम नंबर टेबल बोला, या स्टार्टिंग में एक टेबल जो कंपल्सरीली हमको बनानी पड़ती है, वो टेबल हमारी ये वाली टेबल है ये। और इसके जो हमने बताए थे कि आपको ना, आपको फर्स्ट स्टेप प्रोबेबिलिटी, सेकंड स्टेप क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, और थर्ड स्टेप रैंडम नंबर रेंज, ये तो आपको बनानी ही बनानी है ना, ये बताया था आपको, है ना। अब देखो इस क्वेश्चन का सारा चीजें हम सारी चीजें देख चुके हैं। अब हम टेबल नंबर 2 बनाएंगे। टेबल नंबर 2 में हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन हमको पूछा है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कॉलम बनाते जाते हैं, है ना। तो हमारा अच्छा क्वेश्चन तो हमको अच्छे से पता ही है, हमने कल इसको नोट किया था कि आपका बुक स्टोर के पास में बुक्स रहती है, टेक्स्ट की बुक्स रहती है उसके पास में, किसके पास में, मैनेजर है, बुक स्टोर है और उसके पास में। और एक बुक हम कितने की लेके आते हैं, 60 रुपीज की लेके आते हैं और 80 रुपीज की बेच देते हैं। दिख रहा है आपको, 60 रुपीज की लेके आते हैं और 80 रुपीज की सेल करते हैं मार्केट में। सिंस सम ऑफ द टेक्स्ट बुक्स क्या होता है, हर साल चेंज हो जाती है, तो जब हर साल अमेंडमेंट्स आएंगे तो फिर कुछ कॉपीज जो बिकी नहीं होंगी, जो बुक बिकती नहीं है, जो अनसोल्ड कॉपीज होती है, उसको उसको हम क्या कर सकते हैं, वो वापस रिटर्न कर सकते हैं और उसके 30 रुपए में फिर मिल जाएंगे। अब पास डेटा से हमें पता चल गया कि जो डिमांड इस बुक की जो है ना, वो इस तरीके से है कि 15, ये क्या बोल रखा है, डिमांड है नंबर ऑफ कॉपीज, तो 15 कॉपीज की डिमांड 16 की, 17, 18, 19, 20, 21, 22 की डिमांड की परसेंटेज अपने सामने दे रखी है, ठीक है। इसको भी हमने कल देख लिया था, और ये जो अपनी प्रोबेबिलिटीज है वो हमने यहाँ पे यूज कर ली थी। उसके बाद में हमारा टेबल 1 हमने इसके हेल्प से बना लिया था। टेबल 2 में हम क्या बनाएंगे, वो हेल्प देखते हैं क्वेश्चन में क्या इसकी नीड है। तो आपने क्या करा, रैंडम नंबर की हेल्प से करेंगे, आपको क्या करना है, डिमांड बनानी है, डिमांड जनरेट डिमांड फॉर 20 टाइम्स। 20 टाइम्स का मतलब इयर्स, अब ये बोल रहा है 20 पीरियड से है, तो 20 पीरियड्स को बोल रहा है 20 ईयर्स के लिए हमको बनाना है, ये भी हमने कल देखा था। अब कैलकुलेट अपना एवरेज प्रॉफिट, और दूसरा क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। एंड व्हाट इज द ऑप्टिमल पॉलिसी, तो आपको दो तीन चीजें पूछी है, वो हम यहाँ पे आंसर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। टेबल 1 दिख रही है सबको, और सबके पास है भी, सबने बनाई भी है ना, ठीक है। हाँ, तो टेबल 3 बनाते हैं, 2 2 बनाते हैं, टेबल 2 बनेगी, वो फर्स्ट टेबल के बाद जो सेकंड टेबल बनेगी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग ही बनता जाएगा। और इसके अंदर हम सिमुलेशन करते हैं, सिमुलेशन का मैम मतलब आप देखिए 22 के अब आगे 20 साल और लेंगे ना, 22 क्या बोल रहे बेटा, 22 के अब आगे और 20 साल लेंगे ना। ये बेटा ये 22 थोड़ी ना, ये तो नंबर ऑफ कॉपीज दे रखा है ना, ये नंबर ऑफ बुक्स, ये बुक्स कितनी है, अच्छा ये तो बुक्स है ना, ये देखो नंबर ऑफ कॉपीज मतलब टेक्स्ट हाँ की कितनी कॉपीज हैं, ये पीरियड नहीं है बेटा, ये बुक्स हैं। मतलब 15 बुक्स का सेट रखते हैं टेक्स्ट की, उसकी प्रोबेबिलिटी 5% है। 16 बुक्स का अगर सेट रखते हो, उसकी डिमांड आएगी उसकी 8%। हाँ हाँ ये ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है कंफ्यूजन। तो टेबल 2 में हम क्या करते हैं, सिमुलेशन बना रहे हैं, सिमुलेशन कर रहे हैं या फ्यूचर को हम क्या कर रहे हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं, या फ्यूचर के डिमांड कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डेटा, है ना। आप लोग भी अपना कॉपी पेन जो भी आपके पास में है आप रखिए, निकालिए। अब 20 ईयर्स का पीरियड बनाना है, तो इट विल बी अ लॉन्ग टेबल, ठीक है। तो आप पहले इसमें आपको बोला 20 ईयर्स, तो जो आपको बोला है 20 ईयर्स, तो ये जो है ना यहाँ पे फर्स्ट कॉलम अपना टाइम पीरियड का हो गया। टाइम पीरियड में क्या हो सकता है कि भाई हम आपको बोलता है, डिमांड नहीं हाँ लिख सकते, बेटा डिमांड नहीं लिख सकते क्या? नहीं देखो, पहला कॉलम में हमको देखो खुद ने उसने कैसे बोला है, हमको कैसे समझ में आएगा कि पहला कॉलम इसने बोला 20 साल के लिए आप है ना अपने डिमांड कैलकुलेट कीजिए। तो अपन क्या करते हैं, जैसे आपने कभी स्टैट्स में भी अपने 11th में या अपने फाउंडेशन में आपने देखा होगा, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो पहला कॉलम होता है मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखते हैं कि वो नंबर ऑफ इयर्स का, या आप सीरियल नंबर का, ये पहला कॉलम क्या होता है, तो सीरियल नंबर का होता है, या टाइम पीरियड का होता है, या इसमें टाइम पीरियड होता है तो टाइम पीरियड कैसे कैसे हो सकते हैं, या तो आपके डेज वाइज हो सकता है, या आपको वीक्स में इंफॉर्मेशन ऐसे बोल सकता है कि 10 हफ्ते की इंफॉर्मेशन निकालिए, या 10 दिन की निकालिए, है ना, या आपको बोल दे कि मंथ्स में बोल दे कि है ना अगले 6 महीने का प्रिडिक्शन कीजिए, या इयर्स में पूछ ले आपको, जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा है ईयर में पूछा है। तो पहला कॉलम जो अपना टाइम पीरियड का बन जाएगा, ठीक है। दूसरा आपको जो कॉलम बोला है वो, अच्छा दूसरा कॉलम हमेशा ही रैंडम नंबर का बनाना, क्यों, क्योंकि रैंडम नंबर के बेसिस पे आप अपने डिमांड को प्रिडिक्ट करने वाले हैं, तो ये रैंडम नंबर्स हो गए अपने। रैंडम नंबर्स आपको दिए होते हैं हर बार क्वेश्चन में, देखो ये रैंडम नंबर्स दे रखे हैं ना अपन को, है ना, तो इनकी हेल्प से हम बनाएंगे। तो सेकंड कॉलम आप हमेशा ही रैंडम नंबर का बना लेना, ठीक है।
ये कुछ स्टेप्स तो आप ऐसे कैसे ध्यान भी रख सकते हैं। फिर उसके बाद में अब थर्ड कॉलम कैसे बनाएंगे, थर्ड कॉलम में क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछता है, डिमांड का पूछ रहा है ना कि जनरेट द डिमांड, है ना। तो हम थर्ड कॉलम जो है जनरेट द डिमांड, तो थर्ड कॉलम अपन डिमांड का बना लेते हैं। ठीक है, एस्टिमेटेड डिमांड, तो वो कितना एस्टिमेट एक्सपेक्टेड क्या है या एस्टिमेटेड क्या है ये बना लेते हैं। उसके बाद में कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट, ये हम आगे देखेंगे प्रॉफिट को। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझना, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया है, अटेम्प्ट देखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये जितने भी आपके मॉड्यूल के क्वेश्चन है ना कहीं कई बार आए हुए हैं। ठीक है, मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 40 नहीं है आपका, देखो। ठीक है, ओके। तो सब हम कितने ही पीरियड का, वो पीरियड हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, कितना पीरियड है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 बेटा 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ठीक है, फिर इसके रैंडम नंबर्स जो हमारे क्वेश्चन में दिए हैं वो रैंडम नंबर्स हम उठा लेंगे, तो 14, 2, 93 ये उठाते जाते हैं और इसके सामने हम लोग लिखते जाते हैं। ठीक है, तो लिख देते नंबर 14, 2, 93, 99, 18, 37, 30, 12 और 10, 88, 13, 00। जो अपन बिल्कुल वैसे के वैसे ऑर्डर में उठा रहे हैं जैसे अपन को क्वेश्चन में डिमांड का रैंडम नंबर्स का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, वैसे के वैसे ही पेज नंबर में है। हाँ बेटा, इस पेज नंबर पे क्वेश्चन क्वेश्चन है अपना मॉड्यूल के अंदर पेज 96 पे है। आपने रैंडम नंबर जनरेट करने के बाद में डिमांड जनरेट करनी है, तो हाउ डू वी कैलकुलेट डिमांड, दिस डिमांड विल बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग हेल्प ऑफ दिस रैंडम नंबर, और ये रैंडम नंबर हम अपने रैंडम नंबर रेंज में जाते हैं, तो वेयर डज इट फॉल, कहाँ जाता है ये देखो, 14 कहाँ जाता है, 14 कम्स हियर, कहाँ जा रहा है, 17, हाँ तो 14 को हम देखते हैं यहाँ पर जा रहा है, हमें डिमांड चाहिए, तो डिमांड कहाँ है हमारे पास में, ये है डिमांड, है ना, तो इसके हेल्प से हम लोग ये डिमांड उठा लेंगे 17। ठीक है, इस तरीके से, तो 14 के सामने मुझे क्या लिखना चाहिए, 14 के सामने मुझे 17 लिखना चाहिए। इसी तरीके से 2 कहाँ पे फॉल करता है, 2 के सामने क्या है, 2 यहाँ फॉल करेगा इस कैटेगरी में, तो 15 डिमांड हो जाएगी। अब बताओ थर्ड का क्या होगा, 99 कहाँ फॉल करता है उसके सामने की डिमांड, 22, 17, 18, फिर 18, फिर 17, फिर 16, ठीक है, फिर वापस से 16, फिर क्या है आपका 20, ये आप लोग देखते जाओ, वो आप अपने टेबल भी देख लेना, आपके पास क्वेश्चन है उसको भी देख लेना। ठीक है, ये आपने उसके कायदे से उसके सामने उसका डिमांड अपनी टेबल को रैंडम नंबर को सर्च करते हुए आपने बना लिया था। ठीक है, क्या वो है? आती हूँ एक मिनट, 16, 20 और ये 18। ठीक है, डिमांड क्रिएट कर लिया हम लोगों ने, उसके बाद में नेक्स्ट क्या क्रिएट करेंगे देखो। आपकी आवाज कट रही है, जो कोई भी बोल रहा है ना बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आ रहा। नहीं समझ में आया, क्या बोल रहे हो, स्क्रॉल डाउन करो, एक तो स्क्रॉल अप क्वेश्चन हो गया, स्क्रॉल डाउन करो, नहीं समझ में आया बेटा, चलो कोई बात नहीं, जब तक समझ में नहीं आएगा हम आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा आपको क्या बनाना है, ये जो आप सिमुलेशन बना रहे हैं, तो क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन में ये पूछा था कि आपको जनरेट करना है डिमांड,
है ना। और आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, डिमांड जनरेट करने के बाद में आपको प्रॉफिट भी निकालना है, और प्रॉफिट भी निकालना है अंडर द कोर्स ऑफ एक्शन ओपन टू द मैनेजर, उसके पास में जो भी कोर्स ऑफ एक्शन है उसके बेसिस पर। तो कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब होता है कि देखो उस वो क्या करता है, अपने पास में ना बुक सेट रखता है, तो कितनी बुक्स रखता है, 15 का सेट रखता है, 16 बुक्स का सेट रखे, तो मतलब वो उसकी ये सिचुएशन दे रखी है, अगर 15 बुक्स का सेट रखेगा तो डिमांड आने की 5% है, अगर 16 बुक्स सेट रखता है तो डिमांड और बढ़ जाएगी। तो जितना ज्यादा वो स्टॉक रख रहा है 18 तक, देखो उसका इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ डिमांड क्या है, बढ़ रहा है। फिर उसने क्या रखा है स्टॉक यहाँ पे 19, तब उसका प्रोबेबिलिटी 10% है, फिर और रखा तो और कम है, और रखा तो और कम है, और ज्यादा स्टॉक रख रहा है तो और कम है। तो मैं देख रही हूँ कि उसके, मैं यहीं पे एक बार देख पा रही हूँ कि ना यही देख पा रही हूँ कि अगर 15 बुक रखता है फिर वो बढ़ाता है अपने स्टॉक को 15 से 16, तो उसकी डिमांड ऑफ बुक्स भी बढ़ रही है। फिर 17 का स्टॉक रखता है बुक्स का तो 20%, तो डिमांड और बढ़ी है। 18 का स्टॉक रखता है तो डिमांड और बढ़ गई। अगर 19 का स्टॉक रखने देखा तो आपने देखा वो डिक्रीज होता है इस टाइम पीरियड के बाद में, मैं देख पा रही हूँ डिक्रीज हो रहा है कि उसका जो डिमांड है ना, ये जैसे जैसे स्टॉक ज्यादा रख रहा है डिमांड इतनी नहीं आ रही है। तो मुझे लगता है उसको फैसला लेना चाहिए इस बेसिस पे कि ना अगर ज्यादा स्टॉक रखेगा तो बुक्स बच जाएगी, और बुक्स बच जाएगी तो फिर उसको नुकसान में बेचना पड़ेगा, तो फायदा तो उसको यहीं तक हो रहा है, 18 तक हो रहा है ना। चलो पर कितना फायदा कितना नुकसान वो हम रुपीज में बाद में निकाल लेंगे, क्योंकि रुपीज की इन्फॉर्मेशन हमको दे रखी है, रुपीज की इन्फॉर्मेशन हमको दे रखी है ना। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, अगर वो 60 के लगे 80 में बेचता है तो प्रॉफिट कितना होगा उसको बताओ। 20 तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस 80 माइनस अपना 60 है, तो प्रॉफिट अपना 20 हो गया, हर बुक पे 20 रुपीज का अपना प्रॉफिट बनेगा, है ना। अच्छा यहाँ पे हमने क्या सिमुलेशन करने जा रहे हैं, प्रॉफिट भी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे उसके ऊपर एक कंडीशन ये भी है कि अगर आपका प्रॉफिट क्या होगा, अगर मान लो बुक्स बिकने से रह जाए तो आपका प्रॉफिट क्या होगा, थोड़ा उस पर भी इम्पैक्ट आ जाएगा, अनसोल्ड बुक्स की वजह से भी आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, जो एक्चुअल में जो प्रॉफिट हुआ होगा उसमें जो लॉस हुआ होगा उसको भी हम माइनस करेंगे लॉस को, तो आपका नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। ठीक है, वो कैसे करना है अभी देखते हैं। देखो हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ बुक्स है ना हमारी अनसोल्ड रह जाएगी, कुछ बुक्स हमारी अनसोल्ड रह जाएगी, नंबर ऑफ बुक्स देखो कैसे रहेगी, कैसे देख रहे हैं हम लोग, नंबर ऑफ बुक्स कुछ अनसोल्ड कैसे रह जाएगी। अगर मान लो कि अगर आपने 15 का स्टॉक मेंटेन किया, एक होता है कि 16 बुक्स का स्टॉक मेंटेन किया, एक है कि 17 बुक्स का मेंटेन किया, 18 बुक्स का मेंटेन किया, 19 का मेंटेन किया, ऐसे आपके पास में आपने 22 तक आप स्टॉक मेंटेन करते हैं ना। ठीक है, हाँ 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 ठीक है, तो 20 एंड सो ऑन ऐसे चलता है। ठीक है, हमने यहाँ पे थोड़ा सा प्रेडिक्शन कर लिया था कि 18 तक तो उसको उसकी डिमांड है ही है, 19 का स्टॉक इससे 19 और उससे ऊपर स्टॉक रख रहा है तो उसको लॉस ही है, ये हमको ये चीज भी दिमाग में रखना है। ठीक है, अब मुझे बताओ इन्फॉर्मेशन देख दो कैसे कैलकुलेट होगी, मैं कलर चेंज करते उसका पेन का। हाँ देखो, अगर मान लो आपने सोचा कि जो डिमांड है वो कितनी है, डिमांड 17, अगर 17 की डिमांड है ना, और ये नंबर ऑफ बुक्स क्या है, अनसोल्ड, हाँ अनसोल्ड, हाँ इफ स्टॉक इज, अगर आपके आपने 15 का स्टॉक मेंटेन किया है, 16 का स्टॉक मेंटेन किया है, 17 का मेंटेन किया, 18 का मेंटेन किया, 19 का, ये आप स्टॉक मेंटेन करते हैं, तो क्या क्या डिमांड के अकॉर्डिंग आपके पास में स्टॉक बचेगा या स्टॉक कम होएगा, ये चीज हमको बतानी है। ठीक है, अगर मान लो 15 का स्टॉक है और डिमांड 17 की है तो आपके पास में कोई स्टॉक अनसोल्ड, स्टॉक अनसोल्ड स्टॉक मतलब बुक्स नहीं बचा। 16 का आपके पास में 16 सेट है और 17 की डिमांड है तो अनसोल्ड कुछ भी नहीं है, है ना। यस मैम, 17 में भी ऐसा ही होगा, 18 में भी ऐसा ही होगा, 19 में भी, 20 में भी, 21 22 में भी ऐसा ही होगा, है ना। अच्छा, 18 में तो बच गया ना, 18 में तो बचेगा, सॉरी 18 के ऊपर बच रहा है, तो 18 अगर आपके पास में बुक्स हैं और 17 की डिमांड है तो अपने पास में एक बुक बच जाएगी, और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें दो दो इसमें तीन चार ऐसे पांच, है ना, समझ में आ रहा है, तीन चार पांच, है ना। अब देखो इसी तरीके से, अब दूसरा देखो, 15 का आपका स्टॉक मेंटेन्ड है और डिमांड 15 की है तो बचेगा क्या कोई स्टॉक, नहीं। 16 आपके पास में, दुकान वाले के पास 16 बुक्स पड़ी है और डिमांड 15 की है तो एक बुक नहीं, मैम एक एक बचेगी,
ठीक है एक रुको, मेरा पेन भी और मोटा आ गया, मुझे रफ करने। हाँ तो एक बचेगी, ठीक है, अगर 17 होगी तो 2 3 4 5 6 7, अगर आपके बस इसमें ये हम बस इनके अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपनी क्या कर रहे हैं, अनसोल्ड बुक का जो स्टॉक है वो कितना कितना बच जाएगा। 15 आपके पास है बुक्स है और मार्केट में डिमांड 20 की है तो कोई बुक्स नहीं बचेगी। 16 का है तो 20 है तो भी कोई बुक नहीं बचेगी। 17 बुक्स है डिमांड ज्यादा है तो भी नहीं बचेगी, यानी कि बुक्स कहाँ से बचेगी, इससे अगर इससे ज्यादा का आपके पास में बुक्स होगी, डिमांड से ज्यादा आपके पास में बुक्स होंगी तभी आपके पास में क्या होगा, अनसोल्ड बुक का स्टॉक रहे। क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जब तक 20 नहीं आएगा तब तक देखो यहाँ 20, 20 का ही आपके पास स्टॉक है और 20 की आपकी डिमांड हो गई तो यहाँ पर भी आपके पास स्टॉक नहीं बचेगा, इसके ऊपर आपके पास में स्टॉक बच जाएगा, है ना, समझ रहे हो, है ना। नहीं आया समझ में, हाँ मैम, नहीं आ रहा तो बोलो। हाँ हाँ बहुत बड़ा बड़ा लिखने में आ गया। उसके बाद में अगर आपके पास में 15 का स्टॉक है और यहाँ पे कितने की डिमांड है, 22 22 का स्टॉक बचेगा क्या, यहाँ नहीं, कहीं बचेगा, नहीं बचेगा। फिर बताओ नेक्स्ट। अब 15 का है और डिमांड 17 की है तो आपके पास में कम ही है तो कुछ नहीं बचेगा। 16 17 तक नहीं बचेगी, फिर बचेगी। फिर उसके बाद में ऊपर और देखते हैं, फिर वापस देखो 15 और 18 ये कितना है, 18 और 18 तो यहां पर भी नहीं बचेगा, फिर क्या होएगा, वापस से सेम हो जाएगा, है ना, समझ रहे हो। फिर आपके पास में कितने का स्टॉक था इस कॉलम के अंदर, 15 का था ना, 15 का स्टॉक था, दिख रहे हो, हाँ मैम, हाँ 15 का था, डिमांड कितनी की आ गई, क्या 17 लिखूं यहाँ पे, डैश हाँ तो यहाँ पे आपको डैश लिखना पड़ेगा, यहाँ पर वन डैश, सत्रह यहाँ पर तक डैश, डैश है। हाँ 16 का क्या करेंगे, यहाँ पर तो डैश 16 पे 16 बराबर हो जाएगा, 1 2 3 सोन, ये सोन, ठीक है, फिर यहाँ पर 16, यहाँ पर 16 है और यहाँ पर 15 है तो क्या हो जाएगा, डैश डैश, फिर यहाँ पे 20 आ गया, मतलब आगे सोन सोन लिख रही हूँ मैं, सोन सोन लिख रही हूँ, दो उसके बाद 20 का अगर आपके पास में डिमांड है और आपके पास में 15 का स्टॉक है तो यहाँ पे कोई अनसोल्ड कॉपी नहीं है, अनसोल्ड कॉपी नहीं है, अनसोल्ड 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 यहाँ तक, फिर आपका बचता है, ठीक है। अब आपके पास में 15 का था तो 17 तो यहाँ पे क्या रहेगा, डैश 16 का आपके पास में स्टॉक है, डिमांड अभी भी 17 है तो कोई स्टॉक नहीं बचेगा, यहाँ पर 17 के 17 पे भी नहीं बचेगा, फिर यहाँ पर बचेगा, है ना, कैसा क्वेश्चन है ना। फिर वापस 15 का ही आपके पास में, यहाँ इस कॉलम में 15 बुक्स थी ना फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट में, और 15 की डिमांड है तो क्या बचेगा, मेरे साथ कुछ हैं नहीं, क्या सब डैश लोग, हैं क्या यहीं पर, 1 बचेगा क्या, नो मैम, टू डैश हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1 3 18 तो यहाँ पर डैश 16 मैम डन डन मैम। कर लिया, सब लोग कर रहे हैं, हाँ मैम, एक बार यस मैम, स्क्रॉल डाउन करना। एक सेकेंड, ये देखना है क्या, मतलब नहीं मैम, नीचे का वैल्यू देखिए, नीचे का 19 और 20। ये भी दिखाओ, हाँ तो देख लो, अब यहाँ पे आओ तो ये कितना है, इसमें स्टॉक बच रहा है क्या, 17 यस मैम, वन कितना टू बचा, थ्री फोर फाइव 15 16 17 तो यहाँ पर एक बच जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे भी सेम हो गया, फिर 16 तो यहाँ पे नहीं बचेगा, 16 के 16 पे भी नहीं बचेगा, 17 पे मैम, बचेगा, आपने आगे डिजिट्स तो लिखी नहीं, जैसे हाँ 117 के आगे। अभी कारण पता चल जाएगा, ठीक है अभी पता चल जाएगा, मैंने नहीं लिखा मुझे मालूम है, फिर 15 का है और 20 का डिमांड है तो क्या रहेगा आपका, 15 16 17 18 19 20 तक, उसके बाद में मेंटेन होएगा, ठीक है, फिर 18 तो 15 भी आपके पास में स्टॉक थी इस कॉलम के अंदर तो कितना हो जाएगा, डैश 15 पे भी डैश 16 पे भी डैश 17 पे 18 तक तो डैश ही चलेगा, फिर स्टॉक बचना चालू हो जाएगा, है ना।
ठीक है, आप क्या बोल रहे हो, आपने आगे लिखा नहीं, ऐसे बोल रहे हो ना, इसका कारण पता चल जाएगा, क्योंकि इसका रीजन मुझे यहीं पे पता चल रहा है। देखो यहाँ पे ना, ये देखो 18 तक, यहाँ तक अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है, उसके बाद मेरे को इधर तक अगर मैं देखती हूँ तो मुझे लॉस हो रहा है ना। देखो आप लिखना चाहो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन के पार्ट यहाँ पे कितना था, 15, 16, 17, 18, 1, 2, यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, यहाँ पे भी 2, 3, 4, 5, और यहाँ पे भी 2, 3, 4। क्या पापरे क्या बोल रहे हो, कैसा? हाँ ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, पर इजी है। ठीक है, अब आपके पास में ना टोटल स्टॉक कितना बच गया, देखो यहाँ पर जब आपके पास में आपने 15 का स्टॉक मेंटेन कर रखा था, और 15 के 15 में कहीं स्टॉक, तो यहाँ पे कोई स्टॉक बचा ही नहीं। फिर जब आपने 16 का स्टॉक मेंटेन किया था, तो एक बार ऐसा हुआ था कि डिमांड जो है ना वो इससे कम आई, तो एक बार बुक बच गई, तो एक बुक और दूसरी यहाँ पर बच गई है ना, एक यहाँ पर बच गई, तो कितनी बच गई अनसोल्ड बुक्स। अगर आप 16 का स्टॉक मेंटेन करते हैं तो आपके पास में अनसोल्ड कॉपीज यहाँ पे कितनी आ रही है, 2 आ रही है ना। अगर आप 17 का मेंटेन करते हो तो 17 में आपके अनसोल्ड कॉपीज कितनी आ रही है, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यहाँ 7 आ रही है अनसोल्ड। ये टोटल स्टॉक अनसोल्ड लिख दो यहाँ पे, अनसोल्ड का कितना स्टॉक बच रहा है। अगर आप 18 का स्टॉक मेंटेन करते हो तो कितना आ रहा है आपका, टोटल करो, 1, 3 कितना हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, का करना है ना ग्यारह, टोटल? हाँ, 11, 11 और 3 14 हो गया, 15, 16, 17, 18, यहाँ पे 18 आ गया। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि जैसे जैसे आपने स्टॉक ज्यादा रखना चालू किया, आपकी जो यहाँ पे आप खुद देख लो, इंक्रीज देख लो यहाँ पे जैसे जैसे आपने ज्यादा ज्यादा रखना चालू किया, आपका जो अनसोल्ड, आपके अनसोल्ड बुक्स ज्यादा बिक रही है। टैक्स की बुक्स हर साल बदलती है ना, तो आपके पास स्टॉक तो बचेगा ही बचेगा। अब हर बार आप देख रहे हो कि आगे मैं और बढ़ती हूँ तो मेरा डेटा और भी ज्यादा बढ़ रहा है। अगर मैं 19 का स्टॉक मेंटेन करूँ तो मेरे पास में अनसोल्ड कॉपी बहुत, और जितनी ज्यादा अनसोल्ड कॉपीज होगी ना उतना ज्यादा मेरे को क्या होगा, 30-30 में बेचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं 60-60 में तो खरीद के लाती हूँ उसको, और अगर मेरे पास ज्यादा से ज्यादा अनसोल्ड स्टॉक बचेगा ना, तो मेरे को वो सारा 30-30 में, मतलब आधे दाम पर बेचना पड़ेगा, तो मुझे तो लॉस ही है। तो सोच समझ कर मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा। मार्केट की डिमांड जो है वो तो रहेगी, वो तो हमने अभी कंपैरिजन कर लिया कि मैं इतना 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 स्टॉक मेंटेन करूं तो डिमांड कितनी कितनी आती है, तो मेरा अनसोल्ड स्टॉक कितना कितना बच रहा है ना, तो इसके बेसिस में मेरा प्रॉफिट, मैं अब मुझे जब इधर इसका कंपैरिजन देखती हूँ, तो मुझे यहीं देख के पता चल गया कि यहाँ पर कितना बड़ा फिगर जो है ना अनसोल्ड का बच रहा है, तो मुझे नहीं रखनी चाहिए है ना, नहीं रखनी चाहिए ना। तो यहाँ पर मेरा कितना होगा एक बार कैलकुलेट कर लो। मैं इतना लंबा तो मैंने आपको सिखाने के, 32 आया क्या बेटा 19 पे, आपने बोला मैंने लिख लिया, इसका भी लिख रखा, इसका भी कैलकुलेट किया है क्या, 20 बुक्स का स्टॉक मेंटेन करते हो तो, हाँ कैलकुलेट कर लो मुझे बता देना। एम वेटिंग फॉर योर आंसर, जो भी है जिसने भी किया। 53 आ रहा है, 53, चलो आप बोल रहे हो तो मैं मान लेती हूँ हमने सही आ कैलकुलेशन। रहा है। एक ठीक मिनट, है, देखो मैंने हमने आगे हमने पहले टेबल में ही क्वेश्चन में देख लिया था कि भाई जब अपनी डिमांड ही कम हो गई है तो हमें ज्यादा स्टॉक मेंटेन करना ही नहीं चाहिए। आप जितना ज्यादा स्टॉक मेंटेन कर रहे हो, ये तो आपको फिर खुद को समझदारी दिखानी पड़ेगी कि मैं ज्यादा स्टॉक मेंटेन करूं ना करूं। और कैलकुलेशन वाइज भी बुक वाले ने तो कैलकुलेशन दिखाई भी नहीं है, मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया कि आपको पता चले, पूरा विजुलाइज कर सके हम लोग की हो क्या रहा है। अगर हम सारा डेटा एक साथ लिखते हैं, आप देख पाते होंगे कि अगर आपके क्वेश्चन के अंदर तो उन्होंने सिर्फ 16 तीन डेटा ही उठाया है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए पूरा डेटा उठा लिया। ठीक है, तो इतना इसमें कितना आ गया था, 69 69, और इसमें कितना आ गया होगा जो भी है, इसमें 88 88। सो इज दिस 34 आ रहा है 19 का। 19 का 34 आ रहा है, ये मतलब ऐसा। हाँ ठीक है, ओके, तो अब ये टेबल को देखते हुए हम लोग अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डिमांड तो हमने देख ली, ये तो हमने एस्टिमेटेड डिमांड, एक तो हमको पॉइंट बोला था कि देखो फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जनरेट डिमांड, तो आपको उन्होंने बोला जनरेट डिमांड, तो हमने डिमांड जनरेट कर ली 20 ईयर्स की, तो वो हमें कैसे कैलकुलेट हुई, वो तो फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ कर लिया, डिमांड हमने जनरेट कर ली।
उसके बाद में सेकंड पॉइंट बोलता है कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट. तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमको ये स्टॉक अनसोल्ड का भी डाटा हमारे पास में पूरा होता है तो ही हम प्रॉफिट निकाल पाते हैं. ठीक है, चलो चलो अब आगे देखो. अब हमको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट भी बनाना पड़ेगा. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट कैसे, अगर आपने नीचे करो ऐसे. हम बस मैम एक मिनट, नहीं मैम बस वो टोटल स्टॉक ही देख. हाँ देख लो देख लो. ओके चलो, अगर आपने सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा कि हम अगर 15 का स्टॉक मेंटेन करते हैं तो हमारा क्या प्रॉफिट निकल के आता है. ठीक है, तो नंबर ऑफ बुक्स आप जो है इसका स्टॉक कितना मेंटेन किया आपने, 15 बुक्स का स्टॉक मेंटेन किया तो आपका क्या क्रिएट होगा प्रॉफिट. उसके लिए देखना पड़ेगा कि आपकी जो नंबर ऑफ बुक्स कितनी बिकी, नंबर ऑफ बुक्स आपकी कितनी बिकी. ठीक है, और उसके बाद में उसमें से कितना जो है ना आपका अनसोल्ड भी रहा ये भी हम देखेंगे. ठीक है, उसके बेसिस पर हम अपना नेट प्रॉफिट निकालेंगे. ठीक है, अब बताओ अगर 15 का स्टॉक मेंटेन करते हैं तो क्या होगा, 16 का मेंटेन करते हैं तो क्या होगा, 17 का मेंटेन करते हैं तो क्या होगा. तो 15 का अगर आप मेंटेन करते हैं तो नंबर ऑफ बुक्स हमारे पास में हमने कॉपीज रखी 15, और 15 हमने कॉपीज रखी वो कैसे रखी, ये जो 15 की कॉपीज रखी हमने पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल, ऐसे करते करते हमने कितने साल तक रखी, 20 इयर्स तक, है ना. 20 इयर्स का पूरा डाटा बताना है क्योंकि 20 इयर्स की डिमांड है, तो 20 इयर्स का प्रॉफिट भी तो 20 इयर्स के आधार पर बताओगे, है ना. तो 15 बुक्स मेंटेन करते हो 20 इयर्स तक, तो नंबर ऑफ बुक्स कितनी हो गई, और इसमें आपके माइनस करना पड़ेगा अनसोल्ड. तो हमारे पास में यहाँ पे जब आपने 15 का स्टॉक मेंटेन किया तो आपके पास में एक भी कॉपी नहीं, पंद्रह तो अपनी नंबर ऑफ कॉपीज जो आप बुक मेंटेन करें ना, 15 मैंने यहां से उठाया ये वाला. अगर आप 15 कॉपीज मेंटेन करोगे तो आपका प्रॉफिट कितना होएगा, 16 कॉपीज आप 20 साल, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, ऐसे करके आपने 20 साल तक 16 का स्टॉक मेंटेन करा, ऐसा 20 साल तक आपने करा या 20 साल तक आप करोगे फ्यूचर में, तो आपको प्रॉफिट कितना जनरेट होगा, है ना. क्योंकि हमको क्या करना है, डिमांड तो कैलकुलेट कर ली, प्रॉफिट भी निकालना है. तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे वो नीचे आ जाओ. तो पहले हम देखते हैं 16 बुक्स में एक साल में बेचती हूं तो 16 साल, हाँ तो अरे भाई ये पहला साल है ना, ये क्या है, ये है ना. तो पहला इस केस को उठाऊंगी, इसके ऊपर देखते हैं कि ये स्टॉक मेंटेन करते हैं तो प्रॉफिट क्या कैलकुलेट होता है. 16 बुक्स अगर मेंटेन करते हैं तो बुक स्टोर वाले को कितना प्रॉफिट होगा, 20 साल का निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 20 कर. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो नंबर ऑफ कॉपीज 15 कॉपीज है और 20 साल तक आपने 300 आ गया, और बुक्स अनसोल्ड कितनी है, जीरो. ये रही जीरो, जीरो तो जीरो, हाँ जीरो इंटू 20 करोगे तो आपको पता ही है ना. तो आपके पास में क्या आ गया, मतलब ये सामने आपके पास 300, और ये 300 क्या आई आपके पास में, बुक्स का स्टॉक आया है ना, ये बुक्स है आपकी, क्या है ये, नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड में से अनसोल्ड, तो टोटल ये आपकी 300 बुक्स आ गई. अगर आपको जो हाँ बेटा कुछ बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो मैम, जो टोटल सोल्ड बुक्स है वही आई ना 300. हाँ 300 सोल्ड बुक्स आई है. ठीक है, और इसमें नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, अब बताओ यहाँ पर प्रॉफिट का क्या, हमने प्रॉफिट का यहाँ पे कैलकुलेट किया था ना पर बुक के हिसाब से, देखो मैम 20 रुपए ये कि आपके जो आप खरीद के लाते हो 60, बेचते हो 80, तो आपको प्रॉफिट कितना होगा, 20 का प्रॉफिट होगा. और अगर किसी साल अनसोल्ड स्टॉक रहा, अनसोल्ड स्टॉक को आप कितने में बेचोगे, 30 रुपए का आपको क्या हो गया. देखो आप अनसोल्ड का हिसाब किताब देख लो, जो अनसोल्ड बुक है उसको आप लाए थे कितने में खरीद के, 60 में खरीद के लाए थे, तो आपकी कॉस्ट जब आपने खरीदी थी तब उसको कितने में खरीदी थी, 60 में खरीदी थी, लेकिन वो बिकी नहीं तो वो अनसोल्ड बुक के नाम से रह गई, है ना. और अब वो आप कितने में बेचोगे, 30 रुपए में बेचोगे, 30 रुपए में 60 रुपए में लाके 30 रुपए में बेचोगे, तो अब आप बताओ ये सेल आपने 30 रुपए का करा तो आपको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ. 60 रुपए की चीज लाके 30 में बेचोगे तो फायदा होगा कि नुकसान होगा, लॉस 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 हो जाएगा. कितने का लॉस हो जाएगा, 30 रुपीज पर बुक,
₹30 पर बुक जो कि अनसोल्ड पर, तो अनसोल्ड बुक पे तो आपको लॉस होता है और जो बिक जाती है उस पर आपको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट 300 × 20। तो आप ये ध्यान रखना कि 20 पे अगर आप बिक जाता है तो 20 का प्रॉफिट है, अनसोल्ड रह जाता है तो 30 का लॉस है। ध्यान पड़ रहा है, ये लॉस है, ठीक है ठीक है। अगर बुक बिक जाती है तो प्रॉफिट कितने का होता है भाई, 60 में लाकर आपने 80 में बेच दिया तो ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, तो ज्यादा में बेच दिया तो आपका 20 का प्रॉफिट है ना। और अनसोल्ड बुक होती है तो आपको 30 का पर बुक क्या है, लॉस है, लॉस है, loss. हाँ ये लॉस है, ठीक है लॉस। ये आपके सामने मैंने डाटा यहाँ रख दिया, ठीक है ये डाटा और ये डाटा। अब ये देखो, अभी तक तो मैंने यहाँ पे जब 15 का स्टॉक मेंटेन किया है तो हमने ये देखा कि 15 बुक मेंटेन करने पर 20 साल तक मेंटेन किया, तो आपने बड़ा बड़ा समझो तो आपने कितनी बुक्स मेंटेन करी, 30 बुक्स तो ये मेंटेन करी, और जीरो का स्टॉक था है ना, तो जीरो का स्टॉक था तो 300 बुक्स हो गई। अब आपको यहाँ पे एक फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है और कितना हो रहा है, तो नेट प्रॉफिट क्या आएगा, 300 बुक्स, ये बुक्स है 300 बुक्स इंटू 20 तो कितना रुपए हो गया, 6000, और माइनस जीरो, अब जीरो तो करना ही नहीं है, मतलब आपको 6000 का प्रॉफिट है ना। हाँ मैम ठीक है। अब दूसरा कैलकुलेट करते हैं कि अगर आपको सेकंड केस है कि अगर आपको 16 बुक्स का मेंटेन करते हो, 16 कॉपीज मेंटेन करते हो, और कब तक मेंटेन करना है वही 20 साल तक। तो देखो 16 कॉपीज 20 साल तक, कितनी कॉपीज मेंटेन करी होगी आपने, और इसमें हाँ और अनसोल्ड देख लो, अगर आप 16 कॉपीज मेंटेन करते हो तो अनसोल्ड कॉपीज कितनी है, 15 टोटल पूरे 20 सालों का, ये पूरे 20 सालों का है, एक साल का नहीं, ये पूरे 20 साल में, पूरे 20 साल में दो बार ऐसा हुआ कि अनसोल्ड स्टॉक रहा तो दो बुक्स, ठीक है ठीक है, आया समझ में, तो दो बुक्स तो कितनी आ गई, 18 से नहीं करेंगे मल्टीप्लाई 2 को बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि मैम जीरो को आपने 20 से ऊपर मल्टीप्लाई किया है तभी मैंने आपसे पूछा। ठीक है अब देखो, या तो समझ में आ गया ना, क्योंकि देखो 20 साल का था ना ये, देखो पूरे 20 साल में एक बार हुआ था लॉस, एक बार हुआ अपन को, तो दो बार ऐसा हुआ, ठीक है इसलिए हमने दो को पूरा, दो ये जो दो है ये डाटा पूरा किसमें से, 20 सालों में से निकला है, ठीक है। 318 बुक आपके पास में क्या हुई, 16 कॉपीज मेंटेन करते तो 318 आपकी सोल्ड हो गई ऑन एन एवरेज, नेट बुक सोल्ड, ठीक है ये माइनस करके अनसोल्ड को, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट कितना होगा देखो 6360। हाँ 318 बुक्स आपकी बिकी थी, लोग ले गए, बच्चे खरीद के ले गए टेक्स की बुक, और प्रॉफिट कितना होगा जितना बिक जाती है, तो 318 तो बिकी बिकी है, तो 20 के हिसाब से कितना प्रॉफिट हुआ है, 6360। कैलकुलेटर उठाओ, उस पे कैलकुलेट करो, 6360 318 × 6360। क्या यहाँ पे अनसोल्ड स्टॉक भी था क्या, क्योंकि जो अनसोल्ड स्टॉक, हाँ जो अनसोल्ड स्टॉक है दुकानदार उसको क्या करेगा, वापस रिटर्न करेगा और लॉस बेयर करेगा, तो ये तो उसने बाजार में बच्चों से पैसे कमा लिए, और जो दो बुक्स बची हैं वो उसको अपने पास रखेगा और कुछ टाइम बाद में उसको वो लॉस पर जो बिकेगा उसको लॉस पर जो रखेगा उसको लॉस पर बेच देगा, तो दो बुक्स बच गई थी और दो बुक्स पे लॉस कितना हो रहा है हमको, 30 रुपए का, 30-60 रुपए मैम हो जाएगा टोटल। हाँ तो ये अपन को यहाँ पे, ये तो मैं इसको यहाँ पे 30 लिख दूं, समझ में आ रहा है कितना हो गया, 6300। तो ये अपना नेट प्रॉफिट आ गया। अच्छा प्रॉफिट का मतलब तो यहाँ तक, और नेट का मतलब कुछ ना कुछ माइनस किया होता है तब नेट प्रॉफिट निकलता है, प्रॉफिट मतलब ये प्रॉफिट है, और नेट प्रॉफिट का मतलब है समथिंग इज डेफिनेटली रिड्यूस्ड, देन इट बिकम प्रॉफिट, बिकम नेट प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट क्या बन जाता है, नेट प्रॉफिट। तो ये आपका नेट प्रॉफिट आ गया। अब अगर हम 16 कॉपीज मेंटेन की जगह 17 मेंटेन करते हैं तो बताइए, तो 17 × 20 इयर्स तक मेंटेन किया तो कितना आया था, 17 × 34 340 बुक्स है ना, उसमें से माइनस कर दो कितनी अनसोल्ड है, ये देखो 7, ठीक है 20 सालों में 7 बुक्स ही बची ना, ऐसा समझेंगे ना, डायरेक्ट माइनस करेंगे ना,
इसमें से कितना आया? ये बाजार में, ये 20 इयर्स का डाटा है ना, तो 333 बुक्स, 333 बुक्स 20 इयर्स में आपकी बिकेंगी अगर आप 17 का स्टॉक रखते हो, तो इस पर प्रॉफिट कितना हो गया? 333 प्रॉफिट आपको 20 रुपए 6660 तो आपका आ गया 6660। इसमें से आपके कोई अनसोल्ड कॉपी रही होगी तो उसको वो लॉस पर बेचेगा, क्योंकि वो तो उसी के पास पड़ी है तो उसको रिटर्न करेगा, तो अपनी कितनी है 7 है ना, और 6450 30 का लॉस भी 210 तो 7 3 21 210 रुपए, तो कितना आ गया 0545, ये आपका नेट प्रॉफिट आ गया है ना। अब 18 कॉपीज मेंटेन करता है तो 20 साल तक 18 कॉपीज, 18 कॉपीज मेंटेन करता है तो 18 20 साल तक ऐसे करता है तो कितनी कॉपीज देगा? 360 बुक्स बेच देगा। और स्टॉक कितना बच रहा है 360 इस पे, ये आ गया 18 बुक्स जो है उसका अनसोल्ड स्टॉक आया है, तो अनसोल्ड स्टॉक कितना आ गया अपना 18। हाँ तो कितना हो गया डेटा, बोलो बोलो 342 बुक्स। प्रॉफिट कितना हो जाएगा इस पे 6840 6840 ठीक है। और इसमें से लॉस क्या, 18 बुक्स का 30 रुपए के लॉस पर जाएगी 540 तो कितना हो गया 540। हाँ मैम 6340 देखो, अब देखो हमारे साथ 22 बुक्स तक करेंगे तो क्या होगा, देखो अगर कॉपीज आपने मेंटेन की 19, मुझे एक चीज यहीं पे समझा दो पहले, आप जब 15 कॉपीज मेंटेन करते हो, देखो यहाँ पे 15 कॉपीज मेंटेन करते हो तो आपको प्रॉफिट 6000 है, 16 कॉपीज मेंटेन करते हो फिर 6300, तो 6000 से 6300 हो गया तो प्रॉफिट बड़ा है, 17 बुक्स मेंटेन करते हो तो आपका प्रॉफिट 6300 से बढ़ के 6450 बढ़ गया प्रॉफिट, ठीक है बढ़ ही रहा है तो नुकसान नहीं है। अगर आप 18 कॉपीज मेंटेन करते हो तो आपका प्रॉफिट फॉल हो गया, मतलब आप देख रहे हो प्रॉफिट क्या हुआ आपका। हाँ मैम फॉल हो गया 6300 नेट प्रॉफिट। मुझे बताओ अगर आप 19 कॉपीज मेंटेन करोगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा कि घटेगा, मुझे तो ये आप बिना देखे या सब घटेगा क्योंकि आपकी, हाँ क्योंकि आपकी नंबर ऑफ कॉपीज और बढ़ गई और जितनी कॉपीज है इसकी वजह से आपका प्रॉफिट और हाई रेट पे, क्योंकि प्रॉफिट तो 20 के रेट पे हो रहा है लेकिन लॉस 30 के रेट पर हो रहा है और ये भी आपको बहुत रिड्यूस कर देता है प्रॉफिट को। 19 का कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है 19 के ऊपर बताओ, 19 इंटू 20 इयर्स तक मेंटेन किया 380, अनसोल्ड कॉपीज कितनी थी 34 थी ना, हाँ कितना आ गया कैलकुलेटर पे देखो 346 पे 20 का प्रॉफिट हो तो कितना होगा 6920। और अगर आप ये 34 को बेचोगे लॉस पर तो 30 के लॉस पर बेचोगे है ना, तो कितना हो जाएगा कैलकुलेटर पे देख लो 1020 कितना आया नेट प्रॉफिट 5900। तो देखो ना प्रॉफिट 6300 थी, 19 बुक्स और मेंटेन करने चलोगे तो आपका प्रॉफिट और, अब तो आपका डाउनफॉल चालू हो गया, तो मतलब मैक्स टू मैक्स ना डिसीजन ले आप कि मैक्स टू मैक्स आपको अपने पास में कितना स्टॉक मेंटेन करना चाहिए, यानी कि कितनी बुक्स का आप बेचो तो ही आप फायदे में हो, यानी कि आप यहां से चालू करते हो तो आप 15 का रखो तो भी ठीक है, 16 का रखोगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, 17 का भी मेंटेन करोगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा ही है ना, और 17 तक भी करोगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, 18 का आपने एक्सपेरिमेंट किया तो प्रॉफिट क्या हो गया आपका रिड्यूस हो गया, तो मुझे बताओ आपको कहां तक मेंटेन करना चाहिए, आपका डिसीजन क्या है ना, तो आप बोलोगे मैं 17 से ज्यादा कभी मेंटेन ना करूं, 17 से के ऊपर मुझे ये मैक्सिमम स्टॉक मुझे जो रखना चाहिए वो क्या रखना चाहिए 17 तक ही रखना चाहिए, क्योंकि 17 तक ही मेरा प्रॉफिट क्या हुआ इंक्रीज हुआ, ठीक है तो मेरा डिसीजन। अगर वो मुझे मुझे क्वेश्चन में क्या पूछता है, अच्छा एक एक यहाँ पे क्या पूछता है क्वेश्चन के अंदर,
ये बोलता है व्हाट इज द ऑप्टिमल पॉलिसी, तो आपकी पॉलिसी क्या रहेगी, तो आप पॉलिसी बना लो कि मैक्स टू मैक्स वी कैन मेंटेन द स्टॉक ऑफ 17 कॉपीज, ठीक है, सो मैक्स टू मैक्स ऑप्टिमम, मैंने तो मैम 17 लिखेंगे ना अपने, हाँ हाँ 17 लिखेंगे, हाँ हाँ, तो ऑप्टिमल मतलब ऑप्टिमम आंसर, व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, सो इफ वी मेंटेन स्टॉक अप टू 17 बुक्स है ना, देन वी कैन हैव प्रॉफिट है ना, मैक्सिमम प्रॉफिट, अदरवाइज प्रॉफिट विल डिक्लाइन, मैक्सिमम प्रॉफिट कैलकुलेट थोड़ा करना, नहीं समझ में आया, मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ तक आ रहा है ना, मैं मैक्सिमम प्रॉफिट थोड़ा कैलकुलेट, अब देखो नहीं समझ में आया मुझे, किसी और को समझ में आया तो मुझे बता देना, एक आप एवरेज प्रॉफिट है ना वो भी निकाल लो कि आपका पर ईयर का प्रॉफिट कितना है, क्योंकि ये तो 20 सालों पर है, तो एवरेज प्रॉफिट जो है आपका वो क्या निकल के आएगा पर ईयर का, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट पर ईयर, पर ईयर का मतलब ये जो आपने मेंटेन की थी बुक्स, जैसे ये 15 बुक्स मेंटेन की थी तो 20 सालों पे निकाला, तो पर ईयर का प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर ही लेते हैं ना साथ साथ, पर ईयर का मतलब जो आपका जो प्रॉफिट आया ये 6000 का, ये 20 सालों का है ना, तो आप एक साल यानी कि 20 साल से डिवाइड करो तो पर ईयर प्रॉफिट कितना निकल के आएगा, करना है मैम टेबल में साइड में जगह 300 साइड में जगह नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा कर लेना, छोटा छोटा लिख लेना, यहाँ पर कितना आ गया आपका प्रॉफिट, कितना है यहाँ पर नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट लिखना है, 6300 डिवाइडेड बाय 20 कितना हो गया 315 पर ईयर है ना, बड़ा ही है प्रॉफिट, देखो अगर अगर हम ईयर वाइज देखे जाए 315 यहाँ पर कितना हो गया 6450 डिवाइडेड बाय 20 कैलकुलेटर पर करो 50 डिवाइडेड बाय तो 322 पर ईयर, तो मतलब यहाँ से 315 से 322 पे पहुंचे, और देख लो नेक्स्ट ईयर का, अब तो आपको पता ही है ट्रेंड कैसे चलने वाला है, 6300 कम हो गया ना प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट भी कम ही आएगा, तो 315 ठीक है, ये तो इसने एक्स्ट्रा निकाल दिया, बाकी तो ऐसा कोई जरूरत नहीं है, हम तो यहाँ पे भी कंक्लूजन करने के लिए या अपने डिसीजन लेने के लिए रेडी थे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? No, ma'am. देखो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना बेटा, इनको आप प्रैक्टिस करोगे और एग्जाम में आ जाए तो ही आप कर सकते हो, अदरवाइज दिमाग, देखो प्रैक्टिस करा हुआ दिमाग कैन परफॉर्म बेटर, जैसे आपका कोई स्टेज शो होता है, डांस शो होता है, तो आपको पता है कितनी बार प्रैक्टिस करते हो, कितने महीनों तक एक ही डांस को कितने महीनों तक प्रैक्टिस करते हैं, तो सोचो हमारा एग्जाम भी वन डे परफॉर्मेंस है, तो हमको कितनी बार प्रैक्टिस यानी कितनी बार रिवीजन, कितनी बार कितने क्वेश्चंस करते हैं, तो हमारे दिमाग में एक दो क्वेश्चन से तो दिमाग सेट ही नहीं होता ना, फिर हम कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और कितनी बार फिर क्वेश्चन को हम रिवाइज करते हैं, तो फिर हम एग्जाम में हमारा दिमाग क्या होता है आराम से चलता है, ठीक है, सो गिव प्रैक्टिस टू योर माइंड, छोड़ी नहीं क्या बेटा, आपका आवाज ही नहीं समझ में आ रही, सो दिस इज ए क्वेश्चन हो गया ये, ओके नेक्स्ट लेते हैं एक और क्वेश्चन, रिद्धि आपकी आवाज नहीं समझ में आती बेटा, आप जो बोलना चाह रहे हो ना मैं खुद भी सुनना चाहती हूँ आपको, लेकिन आपकी आवाज है ना कट जाती है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन में उठाऊंगी ना वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके फाइनल में भी वो पैटर्न है यार, मैसेज कर दो मैं एक बार मैसेज देख देती हूँ आपका, जी क्या बोल रहे हो, लेट मी
दीदी पूछ रही है पेपर में तो फॉर्मेट बना हुआ आता है, तो हम पेपर में इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे? तो फॉर्मेट बना हुआ आता है तो आपको तो पहले तो यही पता चल गया कि आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन करना कैसे। अगर आपने करा हुआ है तो आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन करना कैसे। आपको क्या करना है, वहां पे जो शीट्स देंगे उनको आप उनमें जैसे रफ करते हैं आप अपनी कॉपी में, वहां पर आपको जो शीट्स प्रोवाइडेड होगी आप उसको उसमें सॉल्व करके आपको फिल ही तो करना है। समझ में नहीं आया, क्वेश्चन बड़ा भी होगा तो अगर वहां पे फॉर्मेट बने हुए हैं, टेबल्स बनी है, आपको अगर भरना है तो क्या प्रॉब्लम है? टाइप तो करना नहीं, इतना बड़ा, इतना बड़ा टाइप नहीं करना, इतना बड़ा कॉलम वहां पे थोड़ी ना बनाओगे आप लोग। फॉर्मेट बना हुआ है, टेबल्स बनी है, आपको फिल करनी है, कॉलम अमाउंट भरने हैं आपको, वो आप साइड में कैलकुलेट करोगे पेपर पे, उसके बाद में फिल करोगे कंप्यूटर पे। ये क्वेश्चन देख पा रहे हो 15? हाँ मैम, ठीक है, और किसी को क्वेश्चन नहीं आते क्या पूछना रिद्धि के अलावा? हाँ जी बेटा, कोई बात नहीं। A small retailer has studied the weekly receipts. जैसे हाँ बेटा, कि ये एग्जाम में लिखा हुआ आएगा क्या, ये रैंडम नंबर डिमांड वगैरह से? फॉर्मेट का मतलब होता है कि सर टेबल कॉलम, जैसे मान लो यहाँ पर ये है, मान लो यही क्वेश्चन आ गया, तो आप क्या करोगे, आपके पास में जैसे ये कॉलम ये बने हुए हैं ना, ये बने हुए हैं, इसमें ईयर लिख लेना, रैंडम नंबर लिख लेना, एस्टिमेटेड डिमांड लिख लेना, ये तो इतना तो टाइप करना आता ही है ना सबको, थोड़ा टाइपिंग आना चाहिए, अगर इसको नहीं आती हो टाइपिंग थोड़ा सीख लेना भैया, क्योंकि ये एग्जाम थोड़ा टाइपिंग का भी समझ लो, और आजकल आती है सब मोबाइल में, इतना टाइप करते हैं मैसेज, टेक्सटिंग, व्हाट्सएप, तो टाइपिंग तो आती है, पर कंप्यूटर का स्क्रीन 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 जो होता है, मतलब जो कीबोर्ड होता है उसके ऊपर भी आपका हाथ सेट होना चाहिए, सो आप प्रैक्टिस करो उसको भी। तो इनमें क्या, फिर ये जो इन्फॉर्मेशन है ये फिल करनी है। खैर इतना बड़ा क्वेश्चन आता नहीं निकल के, इतना बड़ा देगा भी नहीं, इतना क्रम्बलसम क्वेश्चन है ये, और क्रम्बलसम तो मैंने इसको ज्यादा बनाया है क्योंकि मैंने सारा इन्फॉर्मेशन उठाया, बुक वाले इतना 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 वो नहीं होते हैं कि बैठ के एक 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 चीज को करेंगे बैठ के। ठीक है, लग रहा है आपको, अरे वहां पे बहुत आपका बहुत टाइम से होगा, पेपर बहुत जल्दी खत्म हो जाता है अगर फॉर्मेट्स बने हुए होते हैं, आप बनाओ एक वो लोग बना के दे दें तो आपका तो आधा काम दोनों ने कर दिया, बस आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए, बाकी तो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, डब्बे तो भरने हैं, सुडो को खेलना जैसा। स्मॉल रिटेलर हैज स्टडीड द वीकली, एक रिटेलर है, रिटेलर जानते हो, होलसेलर, रिटेलर, स्मॉल रिटेलर हैज स्टडीड द वीकली रिसीट्स एंड पेमेंट्स ओवर द पास्ट 200 वीक्स। देखो उसके पास में एक तो रिसीट्स और एक पेमेंट्स और पास्ट 200 वीक्स, 200 वीक्स का मतलब कितने साल होते हैं, हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन अ ईयर बताइए आप? 52 वीक्स आर देयर इन अ ईयर। वाओ, 52 वीक्स, वेरी गुड, 52 वीक्स होते हैं इन अ ईयर, जिसने प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी उसने तो बहुत बार पढ़ा होगा, है ना? तो इसका मतलब एक, हाँ तो इसका, 3.8 इयर्स। हाँ तो इसका मतलब 200 200 वीक्स हैं, उसको डिवाइड कर दो 52 से, तो कितने कितने निकल के आया, थ्री पॉइंट 3.84 ये इयर्स में कन्वर्ट हो गए आपके, 200 वीक्स इयर्स में कन्वर्ट हो गए, तो मतलब पिछले 4 साल का, 3.84 का मतलब ऑलमोस्ट 4, तो पिछले 4 सालों का आपके पास में क्या है, ओवर फास्ट ये बोल रहा है, पास्ट पिछले 4 सालों का आपके पास में क्या है, रिसीट्स एंड पेमेंट की इंफॉर्मेशन बोलता है, ऐसे बोलता है। फिर एंड हैज डेवलप्ड द फॉलोइंग सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, देखो वीकली रिसीट्स, एक हफ्ते की रिसीट्स, और ये रिसीट्स है तो 3,000 रुपए आएंगे, 5,000 रुपए आएंगे वीकली, 7,000 रुपए आएंगे वीकली, 12,000 रुपए वीकली आएंगे, और ये उसकी 3,000 रुपए हमारे पास आएंगे, इसके 20% चांस है। अब इसको हम कैसे स्टडी करते हैं, 0.20 को हम 20% बोलते हैं, 5,000 रुपए जमा होंगे हमारे पास में दुकान वाले के पास में 30%, 7,000 40%, 12,000 इसके 10%, उसके यहाँ से पेमेंट कितना निकल जाएगा, 4,000 रुपए का पेमेंट निकलेगा इसका 30%, 6,000 का 40%, 8,000 रुपए का पेमेंट हो जाएगा इसका। ये रिसीट्स का प्रोबेबिलिटी अलग दिया है, पेमेंट का प्रोबेबिलिटी अलग दिया हुआ है। यूजिंग द फॉलोइंग सेट ऑफ रैंडम नंबर्स, क्या बोलता है, फॉलोइंग सेट ऑफ रैंडम नंबर्स, थोड़ा बड़ा करूंगी, दिख तो रहा है ना आप लोगों को? हाँ सिमुलेट, तो क्वेश्चन कौन सा चैप्टर का है, सिमुलेशन। सिमुलेट द वीकली पैटर्न ऑफ रिसीट्स पेमेंट्स फॉर द 12 वीक्स, आपको कितने हफ्ते, आपको भी 200 हफ्ते का पास डेटा दिया है, फ्यूचर में 12 हफ्ते के लिए आपको क्या करना है, सिमुलेशन बनाना है, प्रिडिक्शन करना है कि कितना पैटर्न क्या रहेगा रिसीट्स का और पेमेंट का ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर। अच्छा एक क्वार्टर में कितने वीक्स होते हैं, व्हाट इज, अच्छा एक क्वार्टर में कितने वीक्स होते हैं, इससे पहले पूछ लो कि 1 मंथ में कितने होते हैं,
तो वन मंथ में कितने हो गए हमारे पास वीक्स? फाइव. फोर ले लें. टू मंथ्स के अंदर टोटल कितने कितने वीक्स होते हैं? और अपने थ्री मंथ्स में टोटल कितने वीक्स होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल. तो थ्री मंथ्स का आपका बनता है एक क्वार्टर, है ना? क्वार्टर. ओके, वीक्स हो गए बॉयज. क्वार्टर, ठीक है, समझ में आता है ना क्वार्टर? ओके, यस मैम. ओके, उसके अच्छा, तो आपको क्या करना है, ये आपको सिमुलेशन बनाना है रिसीट्स पेमेंट्स का, अस्यूमिंग फर्दर एट द बिगिनिंग बैंक बैलेंस. आपके पास में बैंक में 4000 रुपए, ये रुपीज है, ठीक है, 8000 रुपए आपके पास में बैंक में पड़े हैं. वहां से आपका ओपनिंग बैलेंस पड़ा है. ओपनिंग बैलेंस होता है ना, कैश का ओपनिंग बैलेंस, बैंक का ओपनिंग बैलेंस. सो यू हैव बैंक ओपनिंग बैलेंस 8000. व्हाट इज द एस्टिमेटेड बैलेंस एट द एंड ऑफ द 12 वीक्स? आप जब 12 हफ्ते मतलब 3 महीने का जब एस्टिमेशन तैयार करोगे, तो लास्ट में आपके पास पैसा बच रहा है कि लॉस में है, क्या है? व्हाट इज द हाईएस्ट वीकली बैलेंस? तो देखो, जो जो वो पूछेगा ना, वो उसकी हम टेबल बनाएंगे. हम टेबल अपने क्वेश्चन की हेल्प से बनाते हैं. पहली टेबल तो फिक्स है, उसका तो पूरा स्ट्रक्चर ही फिक्स है. लेकिन जब सेकेंड टेबल बनाते हैं, सिमुलेशन की टेबल बोल लो उसको, तो सिमुलेशन टेबल जब बनाते हैं तो वो हम यहाँ से इन्फॉर्मेशन उठाते हैं, ठीक है. एंड व्हाट इज द एवरेज वीकली बैलेंस? अब इससे कितने क्वेश्चन पूछे हैं बताओ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताओ, इसके कितने क्वेश्चंस पूछे हैं, कोई बता सकता है मैं, मेरे को कितनी सारी इन्फॉर्मेशन पूछी? मैम थ्री इन्फॉर्मेशन ही पूछी है पक्का? इससे ज्यादा तो नहीं पूछ ली ना उन्होंने? देखो कितनी पूछी है सिमुलेशन, कितनी पूछी है? दूसरा क्या पूछा है? व्हाट इज द एस्टिमेटेड? तीसरा क्या पूछा है? हाईएस्ट वीकली बैलेंस. चौथा क्या पूछा है? एवरेज वीकली बैलेंस. ठीक है, चलो क्वेश्चन तो इजी है ना. चलो टेबल वन क्या होता है? टेबल वन हमारा फिक्स होता है, ये स्टार्टिंग में टेबल फिक्स्ड है ना. तो आप इसको इनिशियल टेबल बोल लो, ना भी नाम दो तो कोई दिक्कत नहीं, इनिशियल टेबल बोल लो, बिगेनिंग टेबल बोल लो, एक टेबल जो बिगेनिंग है, हाँ कुछ भी बोल लो. हाँ, तो ये आपकी टेबल बनने वाली है. एंड टेक योर पेन, आप टेक योर स्केल. क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर ये देखो, आपके पास में बुक हो या ना हो, आपको क्वेश्चन तो मैंने सामने रख ही दिया, तो बुक के हेल्प ले और ना लो क्या फर्क पड़ना है, मेन चीज तो अंडरस्टैंड करने वाली है ना. ये टेबल इंटरेस्टिंग है, फर्स्ट टेबल. पहले हम रिसीट्स के बनाएंगे. देखो ये रिसीट्स की टेबल बनाएंगे और रिसीट्स के सामने की प्रोबेबिलिटी हम लोग लिखेंगे और उसकी क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी लिखेंगे और उसकी रेंज बनाएंगे, है ना. क्वेश्चन नंबर कौन सा है मैम? रैंडम नंबर्स गिवन ही नहीं है इसमें. रैंडम नंबर्स गिवन नहीं है? वाओ, तो आप खुद क्रिएट करेंगे. कैसे क्रिएट करेंगे? ये देखो ऐसे क्रिएट करेंगे, ठीक है. अभी बनाते हैं, देखो अभी बनाते हैं. देखो पहले टेबल वन बना लें, जब नहीं गिवन हो तो कैसे करना है ना. चलो रिसीप्ट क्या क्या है आपके पास में क्वेश्चन में, क्वेश्चन से रिसीप्ट वगैरह उतारो. 3000 ये रही, 3000, 5000, 7000, 12000, ठीक है. प्रोबेबिलिटी बता दो, देख के ही तो बताना है कितनी कितनी है. हम क्वेश्चन तो 0.20, 0.20, 0.30, 0.40. हाँ, तो ये हमने डाटा एज इट इज लिख लिया है ना, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं. किसका मैसेज आ रहा है, बाद में बात करेंगे किसने क्या लिखा है, रिद्धि बाद में बात करेंगे आपसे ना. अच्छा, दूसरा क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी बताओ कितना कितना हो गया. 0.20 पहला वाला था, ऐसे कैसे 0.30 ऐड किया तो 0.50, 0.5 में 0.90 और 0.90 में पॉइंट, तो 1 पॉइंट. आपको पता है ना लास्ट में ही 1 आना चाहिए. हाँ मैम. नहीं आया तो गलती है. रेंज कैसे बनाएंगे? रैंडम नंबर 0 टू 19. हाँ तो जी, हाँ सबसे पहले वी स्टार्ट फ्रॉम हियर 0 0, और जो नंबर लेते हैं वो कैसे लेते हैं? 9 1 कम. हाँ, तो एक कम तो कितना होता है 19.
फिर यहाँ पे आपने यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा बताओ आप लोग? 20 हाँ 19 के आगे नेक्स्ट नंबर 20 और यहाँ पे इसको देख के इसकी अपर लिमिट 49 फिर यहाँ पे 50 लिख लो इसकी अपर लिमिट इसको देख के बनाओगे तो कितना हो जाएगा 89 एक कम 89 के बाद में 90 यहाँ लिख लो पहले फिर यहाँ पे अपर लिमिट इसको देख के बनाओ 49 आपने देखा कहाँ खत्म होता है हाँ यहाँ से ऐसे स्टार्ट करता है और यहाँ पे ऐसे खत्म होता है ये भी आपको पता है ना है ना अब आपके पास में क्या बोल रहा है कि भैया दो इन्फॉर्मेशन है आपको रिसीट्स के बारे में हमने प्रोबेबिलिटी क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी हाँ बेटा पेमेंट को बेस हाँ जी एग्जैक्टली वो क्वेश्चन जो देखा है वो पेमेंट का भी आपको इस पर दो दो टेबल एक साथ बनानी है यानी कि जो एक पर काम करते थे वो दो बार करना है यानी कि पेमेंट्स के लिए भी हमको सेम काम करना है पेमेंट का भी प्रोबेबिलिटी दे रखा है उसका क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी उसका रैंडम नंबर रेंज निकालना है ठीक है निकाले हाँ मैम आप लोग करते हो मेरे साथ सब क्वेश्चन पेमेंट का नहीं करते तो मुझे हाँ नहीं मुझे पता कुछ नहीं करते कुछ बोले यार क्या यार ये कोई करने की चीज है करी हुई है ना ब्रेन आईज हमारे आईज इतनी शार्प है कि वो ब्रेन में डायरेक्ट जाके सेट होता है 4000 तो ये 4000 6000 ये क्वेश्चन ऐसे कैसे उतार लिया हमने 8000 और 10000 प्रोबेबिलिटी ऐसे कैसे उठा लेते हैं 0.30 0.40 0.20 और 0.10 है ना इसका टोटल आ जाएगा आपका ये आपकी प्रोबेबिलिटीज होगी बेसिक करना क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी हाँ बेटा कृष्णा पूछ रही क्या चल रहा है कृष्णा ये मजेदार गेम चल रहा है यार खेलो खेलो क्योंकि 8 मार्क्स पक्के इसी से होंगे आपके डेफिनेटली ये हर साल आने वाला क्वेश्चन है इसको छोड़ के जाओगे तो फिर क्या ही हो जाएगा आपके साथ में ठीक है क्या ही हो जाए आजकल ये चीज पूछते हैं आजकल बच्चे बोलते हैं क्या ही हो रहा है ये क्या पता नहीं क्या लैंग्वेज यूज करते हैं हाँ जी क्यूमुलेटिव कैसे निकालना है 0.30 0.40 ऐड किया तो 1.70 0.90 ये सेम होना चाहिए ना बेटा पॉइंट के बाद में हमेशा इंडिविजुअली बोला जाता है 0.30 पॉइंट्स है इसको 0.90 0.70 0.30 ऐसे हाँ ये गलत नहीं ये गलत होता है ऐसे नहीं बोलना होता है इसको फिर उसके बाद में हम रेंज बनाते हैं रैंडम नंबर की क्या बनाते हैं रेंज बनाते हैं 0.9 रेंज 0 0 से स्टार्ट करते हैं 0 0 मैम अब बाकी का बाकी घर पे कर लेंगे हम एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्वेश्चन का नहीं मैम क्या हो गया पेट में दर्द हो रहा है जिसको नहीं पढ़ना वो आउट हो जाओ ना कोई दिक्कत नहीं है बाकियों को किसी को पढ़ना होगा तो क्या मालूम जिसको नहीं पढ़ना वो मत करो टेबल टू के अंदर सिमुलेशन कैसे बनेगी सिमुलेशन टेबल बना लो बोल दो इसको क्योंकि ये सिमुलेशन करते हो आप इसमें आप प्रेडिक्शन करते हो फ्यूचर का तो कैसे करोगे रैंडम नंबर नहीं है रैंडम नंबर नहीं है तो रैंडम नंबर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं क्वेश्चन में रैंडम नंबर नहीं दिया क्या ओके ओके अरे मुझे से मिस हो गया सॉरी मैंने ही मिस कर दिया मैं आपको रैंडम नंबर देती हूँ चलो एक बार मैं रैंडम नंबर एक सेकेंड ये रैंडम नंबर देख लो आप लोग ठीक है रिसीट्स के सामने के रैंडम नंबर्स दे रखे हैं और पेमेंट के सामने के रैंडम नंबर्स दे रखे हैं ठीक है ये आपका क्वेश्चन आगे का ये आधा हो रहा है आधा पूरा क्वेश्चन मैं आपको दे नहीं पाया हूँ सॉरी तो टेबल टू यहाँ से स्टार्ट करते हैं फिर ये टेबल वन यूज करके छोड़ो तो टेबल टू आपके यहाँ से स्टार्ट करते हैं कितने कितने वीक्स का बनाना है कल करवा दूंगा जिसको जिसको थकान होगी वो चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है मुझे यहाँ पे हमेशा क्या होता है हमारा टाइम पीरियड होता है मैंने आपको बताया था यहाँ पे हमेशा टाइम पीरियड होता है इस बार हफ्ते में इन्फॉर्मेशन दे रखी था हफ्ते का मतलब वीक्स और कितना वीक्स का इन्फॉर्मेशन है 1 2 कितने वीक्स का बनेगा बेटा 12 अब क्या लिखूं रैंडम नंबर लिखूं हमेशा सेकंड टेबल क्या बनेगी रैंडम नंबर ठीक है
चलो रैंडम नंबर क्या है आपके, अगर हम सबसे पहले हम लोग क्या किसका रैंडम नंबर लेते हैं, रिसीट्स का लेते हैं उसके बाद में। हाँ तो रिसीट्स का आपका रैंडम नंबर, देखो रिसीट्स का उठा लेते हैं, तो ये सारे नंबर जो है रैंडम नंबर ही हम इनके जस्ट सामने लिख देते हैं 0, 3, 91, 38। तो रिसीट्स का रैंडम नंबर पहले लिख लेते हैं ना, तो यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं रैंडम नंबर रिसीट्स का, रिसीट्स ठीक है, कितना कितना है 0, 3, 91, 38, 55। क्या हुआ मैम, रैंडम नंबर शो तो करो। स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है मैम। उसके बाद में क्या कर सकते हैं, इनको हम कहाँ सर्च करते हैं, टेबल वन में। टेबल टू का रैंडम नंबर कहाँ सर्च करते हैं, तो क्योंकि रिसीट का, हाँ रिसीट के रैंडम नंबर है तो रिसीट के उसमें चले जाएंगे, तो रिसीट का इसमें जाएंगे तो यहाँ पे है ना, कितना जाएगा रिसीट्स मैम, हेडिंग के डाले ये फ्यूचर की उसने बोला था ना एक्सपेक्टेड, आपको ये मैं बताती हूँ वापस से, एक्सपेक्टेड भविष्य के अगले 12 हफ्तों की रिसीट्स और 12 हफ्तों के पेमेंट, ये बोला था इसने। आपको ये सिमुलेशन करना है कि आपके ये जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अगले 12 हफ्ते के लिए क्या रहने वाले हैं, आपको क्या करना है, वीकली पैटर्न समझाना है, सिमुलेशन करना है, या आपको फ्यूचर प्रेडिक्शन करना है। मैम जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसके आगे एक्सपेक्टेड लिख दो, एक्सपेक्टेड लिख लो, एस्टिमेटेड लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, एस्टिमेट कर रहे हो ना आप तो अनुमान ही लगा रहे हो ठीक है, इसलिए तो एक्सपेक्टेड लिख लो चाहे एस्टिमेटेड लिख लो ठीक है। तो एक्सपेक्टेड रिसीट्स लिखा तो क्या निकल के आया इसमें 3000 निकल के आया था। इसी तरीके से आप पूरा इसका डाटा लिख लो है ना, ये तो आपने, मैं इसको बस ये थोड़ा सा बता के छोड़ देती हूँ। सबके पास बुक्स हैं क्या? हाँ मैम। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास ना हो? मैम मेरे पास भी नहीं है। कौन नाम बताओ बेटा? रिद्धि। अच्छा रिद्धि, तो यार रिद्धि के लिए पढ़ लेने दो मेरे को यार, आप सब तो क्या है करोगे तो हो नहीं है ना, आई पावर यूज करोगे आप तो, कोई एक कोई पढ़ना है तो उसको उसके लिए पढ़ा लेने दो मेरे को, और जिसको जिसको लगता है हमें आ गया वो चले जाओ। यहाँ तक कोई दिक्कत? रिसीट्स का हमने क्या किया, रैंडम नंबर की तरफ से भविष्य में हमारे अगले 12 हफ्ते के लिए, जो 12 हफ्ते हैं इन 12 हफ्ते के लिए हमने ये रिसीट्स निकाल ली ठीक है। इसी तरीके से आप क्या कर लोगे, पेमेंट उठा लोगे, तो आप रैंडम नंबर ऑफ, अब मैं पेन चेंज कर देती हूँ चाहे है ना, अब अपन पेमेंट्स उठाते हैं। पेमेंट्स कौन से उठाते हैं, तो आपके पेमेंट्स के जो रैंडम नंबर्स हैं वो उठा लेते हैं, रैंडम नंबर ऑफ पेमेंट्स उठा लेते हैं। कहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ दिया हुआ, ये रहा। इन 12 हफ्ते के लिए आपके रैंडम नंबर्स यहाँ पर हैं, तो कितने हो जाएंगे 61, 96, 30, 32, 03, बताते जाओ 8848 2 8 88 1 8 7 1 9 9 ठीक है। ये पेमेंट्स का रैंडम नंबर, और इनको कहाँ सर्च करेंगे हम अपने रैंडम नंबर्स को, अपने टेबल वन में सर्च करते हैं, तो उसके हिसाब से आपकी सर्चिंग हो जाएगी, तो आपके यहाँ एक्सपेक्टेड रिसीट्स तो यहाँ एक्सपेक्टेड पेमेंट्स हो जाएंगी है ना। हाँ मैम। चलिए एक्सपेक्टेड पेमेंट्स भी बता दीजिए मेरे को। 6,000, 10,000, 6,000, 6,000, 6,000, 6,000 दो बार लिखना है ना, फिर 4,000, 8,000, 6,000, 4,000 सही लिख रही हूँ ना मैं, देख लो डेटा सही चल रहा है ना, 8,000, 4,000, 8,000, 10,000 Thank you.
क्या निकालना है आपको, एक चीज उसने क्वेश्चन में बोली थी, देखो ये आपका रिसीट्स एंड पेमेंट्स 12 हफ्तों के लिए बन गया है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या पूछता है, व्हाट इज द एस्टिमेटेड बैलेंस, कितना बैलेंस बचेगा 12 हफ्ते का, ठीक है। तो हमको फिर बैलेंस ही निकालना है, तो ऐसा करो बैलेंस निकालना है हमको, और कैसा निकालना है, वीकली बैलेंस निकालना है। ये आपका फर्स्ट वीक है, सेकेंड वीक है, थर्ड वीक है, फोर्थ वीक है। तो आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा था आपको क्वेश्चन के अंदर, तो ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट करने को बोला था उसने। व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस, 8000, है ना, ये 8000 का ओपनिंग बैलेंस है। तो हम ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट करते हैं, तो लिख दे 8000। पता ही आपने बजटिंग करी होगी कभी, बजटिंग पढ़ी है क्या कभी, नहीं पढ़ी आपके बैंक में। ओपनिंग कैश में अपन रिसीव्ड ऐड कर देंगे और पेमेंट माइनस कर। हाँ, तो आपका जो 8000 का बैंक में पैसा पड़ा है, और आपके पहले हफ्ते में आपके पास में ना, पहले हफ्ते में आपके पास में कितने रुपए आ जाएंगे, 3000 आ जाएंगे, और पेमेंट कितने चले जाएंगे, 6000 चले जाएंगे। तो 8 में 3 आ जाएंगे तो 11000, 11 में से 6000 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5000। कैसे किया था, 8000 प्लस 3000 माइनस 6000, है ना। फिर ये अपने पास में 5000 बैलेंस बच रहा है बैंक में, बैंक में 5000 बचा, और अगले हफ्ते आपके पास 12000 और आ जाएंगे, तो 5 + 12 = 17, 17 में से पेमेंट 10000 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7000। फिर कितना बचेगा, 7000 + 5000 कितना हो जाएगा, 12, और 12 में से 6 पेमेंट हो जाएगा तो कितना बचेगा, 6000। हाँ, 6000 का बैलेंस पड़ा है। फिर चौथे हफ्ते में 7000 रुपए आ गए रिसीट्स, 6, 7, 13 में से 6000 चले गए, 7000, ठीक है। 7000 में 3000, 10000 और 4000 गया तो कितना बचा, 6000। 6000 के अंदर फिर आपका 5000, 11, 11 और 8 कितना हो गया, माइनस गया, 11 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 3 और 5 8, 8 में से 6 गया तो 2 और 5 7, 7 में से 4 गया तो, ठीक है, 3 ये है और 7000 और आ गए, 10000, 10000 में से फिर 8 गया तो कितना बचेगा, गलत करा क्या मैंने, क्या कर दिया, 3000। सही चल रहा है क्या, फ्रंट भी एकदम है, है? सही है। 3000 फिर कितना बचेगा, हाँ तो 10 और 2 बचेगा, हाँ। उसके बाद में 2 और 7 9 में से 4 गया तो मैम जो फोर्थ वीक है ना, कुछ आगे पीछे हुआ है क्या अमाउंट मैम, हाँ हाँ मैम, फोर्थ वीक में 9000, फोर्थ वीक में 9000 आ रहा है क्या, कहाँ आ रहा है 9000 बचेगा, देखो 8 और फोर्थ वीक ही रहा, 1 2 3 4 5 ये है ना फोर्थ वीक, वन इसको काटो, ये फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, यहाँ 9000 आ रहा है, 7 ही आ रहा है, 7 कैसे आएगा मैम, 8 और, अरे यार 6000 बैलेंस बचाना रिद्धि, अरे ये यहाँ से वापस से स्टार्ट कर लो ना, देखो ये 8 और रिद्धि आपको फोर्थ वीक, देखो यहाँ पे 6000 बच रहा है, यहाँ तक तो सब पैसे है ना, 6000 में ये मैम 8000 और 7000 क्या बोल रहे हो, अरे मैम वो कह रही है कि 8000 जो स्टार्टिंग है उसने 8000 प्लस 7000 कर दिया, जबकि बैलेंस जो है वो 6000 का है, अपन 6000 से कर रहे हैं, वो 8000 से करती है, ये हर बार इसी को जोड़ रही है क्या, हाँ वो उसी को जोड़ रही है हर बार, नहीं नहीं तो बैंक बैलेंस तो बढ़ता घटता रहता है ना भाई, बैंक में आपके पास में शुरू में 8000 रुपए थे, फिर आपके पास में 3000 आए, तो आपके बैंक में पैसे कितने हो गए, आपने रिसीट्स में तो बैंक में डलवा दिए, तो 8, 3, 11000 हो जाएंगे, 11000 में से ये पेमेंट हो गया 6000 का, तो ये माइनस हो जाएंगे, तो ये 5000 बचेंगे। अब आपके पास में बैंक में 5000 रुपए हैं, 5000 रुपए में फिर ये 4000 रुपए नेक्स्ट वीक आए तो कितना हो जाएगा, ये 12000। तो ये जब आपका बैलेंस है उसमें आप रिसीट्स को प्लस कीजिए और पेमेंट को माइनस कीजिए, ये प्लस कीजिए और ये माइनस कीजिए, इस तरीके से चलेगा, ठीक है। दो हजार, 5000, 7, 7 में से 10 गए तो ये लॉस हो गया यहाँ पर 3000, ठीक है, माइनस में आ गया, ठीक है। अब एक चीज बताओ,
इसने एक क्वेश्चन पूछा था, ये अगर आप सारा निकाल लेते हो तो क्वेश्चन क्या पूछा था इसने, ये बोल रहा है कि आप लोग एस्टिमेटेड बैलेंस हमने बना लिए 12 हफ्ते के लिए, फिर इसका थर्ड क्वेश्चन था व्हाट इज द हाईएस्ट वीकली बैलेंस, तो बताइए हाईएस्ट वीकली बैलेंस कितना है 12 हफ्तों में, सबसे ज्यादा बैलेंस कहां मेंटेन्ड है। ये 12 हफ्ते एक साथ दिखाते हैं आपको, इन 12 मैंने 12 हफ्तों का लिखा ही नहीं, क्या लिखा है ना 12 हफ्तों का, हां सबसे ज्यादा रुपए कहां, इसको नहीं, ये तो ओपनिंग बैलेंस है, इसको नहीं, इन इनमें इनमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट अमाउंट कहां मेंटेन हुआ, सेकंड और फोर्थ, 7000 रुपए, हां तो हाईएस्ट जो अपना मेंटेन था बैलेंस, वो हाईएस्ट बैलेंस अपना कितना था रुपीज 7000। आंसरिंग ढंग से कर सकोगे ना, ठीक है। फिर आपको क्या क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज द एवरेज वीकली बैलेंस फॉर द क्वार्टर, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे, 12 हफ्तों का टोटल लगाओगे, 12 हफ्तों का टोटल लगाओगे, टोटल ऑफ 12 वीक्स लगाओगे, टोटल ऑफ 3000 हो गए ना, और उसको क्या करोगे, हाँ बेटा आप इसका टोटल लगाओ, आपका टोटल कितना आता है, और इसमें से जो ओपनिंग बैलेंस है ना ये छोड़ देना, ये तो पिछले साल का क्लोजिंग था, तो ओपनिंग इसको छोड़ के अब बताओ इन इन 12 हफ्तों का, यहाँ से स्टार्ट करना, यहाँ से 12 हफ्ते कब तक होते हैं, और उसका टोटल लगाओगे तो कितना आएगा, 45,000 आएगा, ठीक है। अगर 45,000 आपका 12 हफ्ते का है तो पर वीक का कितना आ जाएगा, करोगे पर वीक का जाएगा एवरेज, उसने पूछा ना एवरेज भी बताना है आपको, एवरेज वीकली बैलेंस, समझ में आया, हाँ मैम, इजी था, चलो स्क्रॉल डाउन कर लो, मैं इसको थोड़ा छोटा करके फिर दिखाती हूँ, कहाँ पे दिखाऊं मैं आपको, नीचे बिल्कुल एवरेज वीकली, ये 45,000 12 हफ्ते का था ना, ये 12 वीक्स तक का था, 12 वीक्स का था, तो 12 वीक से डिवाइड कर दिया हमने, हाँ मैम, तो पर वीक का आ गया। और इसमें आपने पता है ये मत, ये हमने जो 8000 रुपए जो ग्रीन कलर में लिखा है ना, ये मैंने नहीं लिया है, क्यों, ये ओपनिंग बैलेंस था डिवाइड बाय, हां इसलिए नहीं लिया, इसे 12 हफ्तों का लिया है, ठीक है, केवल यहां से स्टार्ट हो रहा है ना 12 हफ्ते, इसलिए चलो जी लीव कर देना, हाँ ठीक है, हाँ मैम।